बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लगातार बढ़ती महंगाई पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत पर से सरकारी नियंत्रण हटने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर जिस प्रकार से तेजी से अनवरत बढ़ रहे हैं, उससे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है व जनता का जीवन अति दुखी व त्रस्त है। स्थिति की गंभीरता का संज्ञान लेकर सरकार इसका हल निकाले। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खासकर पेट्रोल व डीजल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लिखा उन्होंने कि इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार खासकर पेट्रोल व डीजल पर अतिरिक्त करों की जो मनमानी वृद्धि कर रही है उससे ही इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं व करोड़ों गरीब व बेरोजगार जनता पर इसका सीधा बोझ आए दिन बढ़ रहा है। क्या संविधान ने ऐसी ही कल्याणकारी सरकार का सिद्धांत सुनिश्चित किया है?